In the first lecture of patient safety, we discussed what actually the patient safety is. Next, we discuss about the errors. What was the difference between errors and violation? And the next, we study about the human factors. Today, we are going to discuss about system and complex system. Assalamu alaikum, ma'am. I don't want to disturb, but ma'am, ye Dr. Aroosh ki class hai? I'm Dr. Anika. Ye patient safety 2 class hai. Ma'am, but main doctor. Theek hai, ma'am. Sahi hai. Thank you. System is basically 2 departments, or there it is a collection of 2 or more interacting parts. If we take the example of the healthcare system, there might be an interaction between 2 departments. For example, you are working in an emergency department. There is an interaction between the emergency department and the radiological department. Both of them together, they will make up a system. Next is a complex system. In the complex system, there are so many parts of the departments that are working together. The complex system hota hai, uske andar chances of errors utne zyada hote hain. For example, in this picture, you can see that the surgeon is operating on the patient. Along with surgeon, there are other doctors as well, such as anesthesiologists are there. There are radiologists as well. And nursing staff is also present. So healthcare system itself is a complex system. As I have told that, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसके अंदर चांसेस ऑफ एरर्स उतने ज्यादा होते हैं. व्हेनेवर एन एरर इज अकर्ड बाय अ डॉक्टर और एनी मेडिकल पर्सन, देयर आर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स. कैन एनीवन गिव एन एग्जांपल ऑफ आइट्रोजेनिक इंजरी? एम जो सर्जन वगैरह की वजह से हो जाती है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर के उसमें टाइम पे हो जाती है. आइट्रोजेनिक इंजरी जो है वो बेसिकली होती है विच इज कॉज बाय एनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की वजह से हो सकती है, ट्रीटमेंट की वजह से हो सकती है, मेडिकेशन हो सकती है, सर्जरी हो सकती है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है वो भी कोई इंजरी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का इमरजेंसी में आता है, आपने उसकी सर्वाइकल स्पाइन का उस टाइम ख्याल नहीं रखा है, तो एट दैट टाइम किसी रेजिडेंट ने, हाउस सर्जन ने, ही और शी में हैव कॉज द इंजरी टू द सर्वाइकल स्पाइन. सो ये भी आइट्रोजेनिक इंजरी के अंदर आएगा. कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आइट्रोजेनिक इंजरी की? एनीवन? मैम, अक्सर मोस्टली सुनने में आते हैं कि पेशेंट्स की सर्जरी की गई और समटाइम्स उनके उसमें कोई जो स्टिचिंग की गई है वो गलत कर दी गई, या फिर टॉवल वगैरह उसके अंदर प्लेस रह गए, निकाले नहीं सर्जन्स ने, इस तरह कर. यूजली वो टॉवल्स जो होते हैं वो स्मॉल गॉज पीसेस होते हैं, खासतौर पे जब किसी पेशेंट के एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटॉमी होती है, वो जनरल सर्जरी है, उस केस के अंदर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई गॉज पीस जो है वो इज वेरी स्मॉल, वो समटाइम्स बहुत कम ऐसा होता है कि वो पेशेंट के अंदर एब्डोमन के अंदर जो है वो रह जाए. उसके बाद जो है जब एट द एंड ऑफ द सर्जरी जब वो काउंट की जाती है, जितनी जो गॉजेज होती हैं वो पूरी नहीं होती है, देन उसको फाइंड आउट किया जाता है कि वेयर द गॉज हैज गॉन. इसके अलावा आइट्रोजेनिक इंजरी के अंदर आ सकता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करता है और उसका कोलैप्स है, सर्कुलेटरी कोलैप्स है. एक हाउस सर्जन या हाउस फिजिशियन वहां पर मौजूद है और वो उसका सीपीआर करता है. एग्रेसिव सीपीआर की वजह से पेशेंट की रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द आइट्रोजेनिक इंजरी. फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा जो पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है उनको हम एथैम्ब्यूटोल दे रहे हैं. Can anyone tell the one specific side effect of ethambutol? जो पेशेंट को बताना लाजमी है. एमन आसिफ? यस मैम, ethambutol जो है ना उसके अंदर मैम जो है ना जब बॉडी फ्लूइड्स ना ऑरेंज और रेड कलर के हो जाते हैं, तो पेशेंट को गाइड करना है इसके बारे में कि आपके बॉडी के फ्लूइड्स जो है ना वो जाएंगे. वो साइड इफेक्ट रिफैम्पिसिन का है, ठीक है, उसमें जो यूरिन का कलर होता है वो चेंज हो जाता है. इथैम्ब्यूटोल का ब्लाइंडनेस करता है, आई के ऊपर इफेक्ट करता है, ब्लाइंडनेस करता है और कलर डिफरेंशिएशन खराब करता है.
इथैम्ब्यूटोल जो है कलर ग्रीन और रेड जो है कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है, इथैम्ब्यूटोल न्यूराइटिस कॉज करता है. इसलिए पेशेंट्स का आई एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट को ये बताना जरूरी होता है कि उसने फर्दर जो है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसने अपना आई एग्जामिनेशन करवाते रहना, और अगर उसको ये सिम्टम्स आए तो उसने रिपोर्ट करनी है. सो दिस वन ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आइट्रोजेनिक इंजरी. यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. एक फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है इन मेडिकल वार्ड के अंदर, कंसल्टेंट ने प्लूरल टैप के एक पेशेंट के डायग्नोस्टिक प्लूरल टैप के लिए कहा है. फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है विदाउट अंडर एनी सुपरविजन ही डिड द प्लूरल टैप, लेकिन वो पंक्चर कर देता है लंग को, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो जाती है. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द आइट्रोजेनिक इंजरी. मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी या किसी भी प्रोफेशन के अंदर एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन वंस एक एरर हो गया है उसको अप्रोच कैसे करना है. बेसिकली दो अप्रोचेस होती हैं, वन इज ओल्ड वन एंड द अदर वन इज न्यू वन. ओल्ड अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल है, पर्सन अप्रोच है. जो न्यू वन है वो सिस्टमैटिक अप्रोच है. ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि जिस पर्सन से एरर हुआ है उसको पॉइंट आउट किया जाता है, उसको ब्लेम किया जाता है और उसी को ही रिट्रेन किया जाता है. ऑन द अदर हैंड जो सिस्टमैटिक अप्रोच होती है वो न्यू अप्रोच होती है. वो ये कहती है कि यू हैव टू फाइंड आउट द कॉज, यू हैव टू आस्क द डब्ल्यूज एंड एच, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट. तो मैम वो जो बच्चा है जिससे ये जो है वो हुआ है, तो मैम उसका हम लोग क्या करेंगे? उसका लंग पंक्चर हुआ है? यस नो मैम, जिसके जिस बच्चे ने ये किया है, मतलब जिससे गलती हुई है लंबे पंचर करते हुए, वो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है. उसका ये होगा कि देखें एक दफा थिंग इज कि एक दफा उसे आइट्रोजेनिक एक इंजरी कॉज हो गई है. फर्दर हम ये पढ़ रहे हैं कि अप्रोच क्या होगी. हमारे यहाँ पे मोस्टली जो अप्रोच है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है. उस पर्सन को पॉइंट आउट किया जाएगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसे पूछा जाएगा, उसी की रीट्रेनिंग होगी. लेकिन जो न्यू अप्रोच है जो इंटरनेशनली जो है रिकॉग्नाइज है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट द एक्चुअल रीजन इज, व्हाट द एक्चुअल कॉज इज, ताकि फर्दर ऑन सम टाइम अगर सेम सिचुएशन हो तो उस चीज को, उस कंडीशन को, उस एरर को प्रिवेंट किया जा सके. जो पर्सन अप्रोच है उसके साइड इफेक्ट ये हैं कि उसकी वजह से एरर को एट दैट टाइम जो है वो दबा दिया जाता है. बिकॉज द थिंग इज कि पीपल डोंट इंटेंड टू कमिट एरर्स. एरर मींस दैट उनकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन इन एक्सपीरियंस की वजह से, मे बी ड्यू टू अदर रीजन, ड्यू टू अदर फैक्टर्स की वजह से दे कमिट द एरर्स. अगर हम पर्सन अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. और वन थिंग मोर दैट कि जिनसे एरर होता है दे विल हाइड द एरर्स. इवेंचुअली ये होगा कि जो सिस्टम होगा वो कोलैप्स कर जाएगा. अगर सब अपने एरर्स को हाइड करेंगे, उसकी कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, उसको उसकी प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे, तो एट द एंड जो है वो सिस्टम जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा. क्योंकि बहुत से एरर्स जो हैं, बहुत से स्मॉल एरर्स एक्यूमुलेट होंगे और इट कैन मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ डिजास्टर. इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम नई अप्रोच को यूज करें जो सिस्टमैटिक अप्रोच है. लास्ट लेक्चर में हमने स्विस चीज मॉडल पढ़ा था. बेसिकली इट वॉज फॉर्म्ड बाय द जेम्स रीजन. जेम्स रीजन ने इस मॉडल को जो है वो क्रिएट किया था, जिसके अंदर स्लाइसेस ऑफ चीज थे. स्लाइसेस ऑफ चीज बेसिकली प्रोटेक्टिव बैरियर हैं. दे कैन बी रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकते हैं. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देयर आर पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं. एट द एंड देयर इज एक्चुअल लॉस है, एक्सीडेंट है. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये मॉडल ये कहता है कि देयर आर स्लाइसेस. जो स्लाइसेस हैं वो लेयर्स हैं डिफेंस की, बैरियर्स की. लेकिन उनके अंदर जो होल्स हैं वो डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट नंबर्स हैं. वो उसकी उस सिस्टम के अंदर वीकनेस है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीकनेसेस हैं. एक पोटेंशियल लॉस है जो हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि सिस्टम के अंदर डिफरेंट एरर्स थे, सिस्टम के अंदर डिफरेंट वीकनेसेस थी, जब वो सारी वीकनेसेस अलाइन हुई है, दिस विल रिजल्ट इन दैट एक्चुअल लॉस. एक्टिव या एक्चुअल जो फेलियर होता है वो एट द एंड उस वजह से होता है.
वो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता, वो असल में सिस्टम के अंदर मल्टीपल एरर्स होते हैं, मल्टीपल वीकनेसेस होती हैं, जिसकी वजह से एट द एंड जो है वो लॉस हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक प्लूरल टैप की एग्जाम्पल ली थी कि जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट ने विदाउट एनी सुपरविजन प्लूरल टैप किया था, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं. उसमें सिर्फ उसकी गलती नहीं है जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है. नंबर वन थिंग, मे बी वो पोस्ट कॉल हो, उसके आवर्स ऑफ ड्यूटी बहुत लॉन्ग हो, ही इज टायर्ड, ही और शी इज टायर्ड. नंबर टू इज दैट इट इज अ वीकनेस. नंबर टू इज दैट ही हैज डन द प्लूरल टैप विदाउट एनी सुपरविजन, नोबडी हैज गाइडेड हिम. तो इस तरह जो मल्टीपल वीकनेसेस आ जाती हैं, मल्टीपल होल्स जो हैं वो उस स्लाइसेस के अंदर आ जाते हैं, दे विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन दैट लॉस. और लॉस उस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या था, लंग पंक्चर था. नेक्स्ट, जेम्स रीजन ने डिफरेंट डिफेंस पॉलिसी राइटिंग है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल वी से डेट कि जो पोस्ट कॉल रेजिडेंट था वो टायर्ड था, स्ट्रेस था, स्ट्रेस की वजह से जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो पुअर है, वी डिफाइन वर्किंग आवर्स. हम वर्किंग आवर्स को डिफाइन कर देते हैं और अपनी उस पॉलिसी के अंदर ऐड कर देते हैं कि नोबडी विल डू वर्क मोर देन 36 आवर्स, नोबडी विल वर्क मोर देन 24 आवर्स. This is one type of defense. The other one is standardization. उसकी हम example ले सकते हैं, जैसे surgical ward है, उसके अंदर acute pancreatitis के patients हैं. Different criteria use होते हैं acute pancreatitis के diagnosis और उसकी severity के लिए. लेकिन within that particular ward के अंदर अगर एक criteria को standardize कर दिया जाए कि all the residents they will use that criteria for the diagnosis and severity of the acute pancreatitis, this will simplify the things for everyone. नेक्स्ट ऑटोमेशन है. ऑटोमेशन भी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आ जाती है. कैन एनीवन गिव एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन इन मेडिकल प्रोफेशन और हेल्थ केयर? अब्दुल्ला खान, अफजाल एहसन, अलवीना शाद, मैम, यस, ऑटोमेशन में एग्जांपल इस तरह की हो सकती है कि ये पेपर वेस्ट को रिड्यूस करते हैं. पीपल किसको रिड्यूस करते हैं? मैम, पेपर वर्क को. पेपर वर्क, हाँ ठीक है, वो ऑटोमेशन के अंदर आ सकता है. पेपर वर्क को रिड्यूस करते हैं. Everything is electronic now, ये automation में आ सकता है. Secondly, आजकल जो diabetic patients के लिए जो है continuous glucose monitoring जो है, इस तरह की devices आ गई हैं, insulin pumps आ गए हैं कि आपको manually जो है खुद calculate नहीं करने की जरूरत है कि इस time patient की glucose level इतना है, आपने इतनी insulin patient को provide करनी है. वो devices जो है automatically खुद ही उस time calculate करती हैं कि patient का BSL level कितना चल रहा है और basal insulin उसको कितनी required है. So this one is an example of automation, जिसमें human interaction जो है वो minimize हो जाता है with the patient. Next are the improvements to the devices and architecture. Architecture जो hospital settings हैं उनकी designing इस तरह की जाए ताकि वो patient safety को compromise नहीं करें, और इसी तरह जो devices हैं उनको improve किया जाए. Any confusion up till now? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Aruj Fatma. Aisha Anwar. Yes, ma'am. Aisha, iatrogenic injury ki दो एग्जांपल्स मैम मुझे अच्छे से याद नहीं है. एनी एग्जांपल जो आपके माइंड में इस टाइम आ रही हो? मोहम्मद नुमान,
मैम मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे हम अल्ट्रासाउंड है वो अप्लाई नहीं कर सकते टीबी के पेशेंट में क्योंकि ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर जाता है, तो इवन वी नो कि ये उसका एक साइड इफेक्ट है, और अगर कोई पेशेंट मतलब कोई डॉक्टर फिर भी उस पर अप्लाई कर देता है और वो ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर जाता है, तो वो आइट्रोजेनिक इंजरी होगी या उसका साइड इफेक्ट होगा? कौन सी डिजीज के अंदर जो है अल्ट्रासाउंड अप्लाई नहीं करना? मैम टीबी में हमने फिजियोथेरेपिस्ट है ना हम बन रहे, तो फिजियोथेरेपी यस, में अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं हम टीबी के पेशेंट में। वो टर्म लाइक प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड ही है। अच्छा, यस मैम अल्ट्रासाउंड है, इलेक्ट्रोथेरेपी में हमने पढ़ा। अल्ट्रासाउंड जो है जो हमारे यहाँ पे जो मेडिकली यूज किया जाता है, अल्ट्रासाउंड फॉर एब्डोमन के लिए, अगर इन केस अगर एब्डोमिनल कोई मास है, लिवर का साइज देखना, स्प्लीन के लिए, वो तो यूज किया जाता है इरिस्पेक्टिव के पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस का है नहीं है। लिम्फ नोड सपोज जिन पेशेंट्स के दोज हुआ हैविंग नेक स्वेलिंग है, उनके लिए भी जो है नेक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, लेटर ऑन वो ट्यूबरक्लोस लिम्फ नोड्स निकल आते हैं। आप देखिएगा कि जो आप टर्म कह रहे हैं वो वाकई अल्ट्रासाउंड है, वो कोई या कोई और टेक्निक तो नहीं। मैम अल्ट्रासाउंड क्या है, मैम ने बताया था कि अल्ट्रासाउंड हम नहीं यूज कर सकते, उसमें नहीं यूज करते क्योंकि ट्यूमर मेटास्टेसाइज कर जाता है, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये वो अगर कोई बंदा यूज भी कर ले तो वो फिर वो हाइड्रोजेनिक इंजरी उसमें इंजरी में कंसीडर करेंगे हम। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो तो एक मेलिग्नेंसी नहीं है जो मेटास्टेसाइज करे। आपने दोनों चीजों को देखना है, वन थिंग के आपने देखना है कि वो ट्यूबरक्लोसिस है जिस डिजीज की बात की गई, सेकेंडली आपने देखना है कि वो अल्ट्रासाउंड है। हाँ, इन केस जब आपको कंफर्म है कि एक पर्टिकुलर जो पेशेंट को स्वेलिंग है वो मेलिग्नेंट है, तो इन दैट केस आप FNAC या बायोप्सी को यूजली प्रिवेंट करते हैं ताकि वो मेटास्टेसाइज ना हो, सीडिंग्स ना हो। ओके मैम, नेक्स्ट टर्म है हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिस्टम जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर भी एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं दे आर वर्किंग टुगेदर। वहां पर भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एरर्स हो सकते हैं, लॉस हो सकता है, कोई डिजास्टर हो सकता है। लेकिन हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं डिस्पाइट ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दे हैव ऑल द टाइम 24/7 दे आर हैविंग द रिस्क फैक्टर्स, उसके बावजूद वो प्रिवेंट करती हैं कोई भी डिजास्टर होने से। अदरवाइज कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास ये रिस्क फैक्टर्स होंगे, उसको वो सेम कंडीशंस दी जाएं, इन दैट केस उनके अंदर एरर्स होंगे, उनके अंदर जो है डिजास्टर या लॉस होने के चांसेस होंगे। लेकिन हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने अपने सिस्टम को इतना हाई कर लिया है कि उनके अंदर जो है डिस्पाइट दे हैव द रिस्क फैक्टर ऑल द टाइम, उसके बावजूद जो है वो डिजास्टर को प्रिवेंट करने में कामयाब होती हैं। उसके अंदर जो हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है पहला जो कॉन्सेप्ट था वो एविएशन का था। ये हाई रिस्क इंडस्ट्रीज हैं एविएशन, जिनमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वहां पर विजिलेंट होकर काम करना पड़ता है ताकि लॉस को जो है मिनिमाइज किया जाए और प्रिवेंट किया जाए, और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए ऑल द टाइम दे आर रेडी। नेक्स्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट को अब रिसेंटली जो है हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंक्लूड करने की स्ट्रगल की जा रही है। हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको इस लेवल तक लेकर जाते हैं। नंबर वन इज द प्री ऑक्यूपेशन विद फेलियर, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ डील कर रही हैं, दे नो डेट देयर आर चांसेस ऑफ एरर, दे नो कि एरर हो सकता है, एरर को मिनिमाइज कैसे करना है। इन केस दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद कि यस एरर कैन हैपन, इसलिए उन्होंने अपने आप को इस तरह से ऑल द टाइम दे कीप देमसेल्व्स रेडी फॉर दैट। अगर कोई स्मॉल एरर इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है जो ब्यूटी है इन ऑर्गेनाइजेशंस की, कि अगर जो स्मॉल एरर्स होते हैं, जैसे ही कोई स्मॉल एरर होता है उसको प्रॉम्प्टली जो है रिपोर्ट कर दिया जाता है, जैसे ही उसको रिपोर्ट कर दिया जाता है उसको फिक्स किया जाता है ताकि स्मॉल एरर्स मिलकर जो है किसी बहुत बड़े डिजास्टर का की कॉज नहीं बने। नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी टू ऑपरेशंस, मीन्स डेट दे आर ऑलवेज रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस।
नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज रेडी कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हैपन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल वार्ड के अंदर एक पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, उसको वेंट्रिकल फिब्रिलेशन स्टार्ट हो जाती है, डिफिब्रिलेटर लाया जाता है, लेकिन एट दैट टाइम ये पता चलता है कि डिफिब्रिलेटर खराब है, वो पिछले लास्ट 2 मंथ से यूज नहीं हुआ था, वो बैटरी ऑपरेटेड था, वो उसकी बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, वो यूज नहीं हो सकता, पेशेंट डाइड. HRO हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे आर ऑलवेज रेडी, वो अपनी चीजों को उस तरह तैयार रखती हैं, नॉर्मल कंडीशंस नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, लेकिन वो अपने माइंड में ये रखती हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है. उन्होंने अपनी डिवाइसेस को, अपने इक्विपमेंट्स को, जो ट्रेनीज हैं उनको ऑल द टाइम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए उन्होंने तैयार रखना है. वन मोर फीचर HRO का है रिलक्टेंस टू सिंप्लीफाई, मीन्स दैट अगर कोई एरर, if some error has happened, तो उसको उसी टाइम फिक्स किया जाना इट्स ओके, लेकिन दे ऑलवेज गो टू द डेप्थ कि ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और नेक्स्ट टाइम अगर सेम सिचुएशन हो तो हमने उसको कैसे प्रिवेंट करना है. सपोज देर इज एन एरर ए दैट हैज लेड टू द लॉस बी, उसके अंदर बहुत से पाथवेज हो सकते हैं जिनकी वजह से ए एरर की वजह से लॉस बी हुआ है. HROs फीचर है कि वो हर तरह की ओपिनियंस लेते हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस ली जाती हैं कि अगर एक एरर है वो किस किस तरीके से लॉस का सबब बन सकता है, वो हमेशा उसके डेप्थ में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मेडिकल वार्ड, अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बात कर लेते हैं, अगर मेडिकल वार्ड के अंदर उस टाइम डिफिब्रिलेटर वॉजंट वर्किंग दैट, तो फिर It will not be like that कि next time आप battery जो है वो new battery insert कर दी जाए ताकि defibrillator काम करता रहे, नहीं, they will go into the depth कि who is responsible, whose responsibility was there, do we need to update that device or not, ताकि next time जो है इस तरह की कोई भी happening को prevent किया जा सके. One more feature of HRO is their commitment to resilience. मीन्स डेट के अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो सकती हैं, लॉस हो सकता है, लेकिन इन सिस्टम्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सिस्टम्स कोलैप्स नहीं करते. अदरवाइज व्हेनेवर देयर इज फाइनेंशियल लॉस है, इकोनॉमिकल लॉस है, ऑर्गेनाइजेशंस कोलैप्स कर जाती हैं, लेकिन HRO का फीचर है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इन एडवर्स एनवायरनमेंट के अंदर, एडवर्स कंडीशंस के अंदर वो कोलैप्स नहीं करती, लॉस हो सकता है वो रिकवर करती हैं, लेकिन वो कोलैप्स नहीं करती. लास्ट इज द डेफरेंस टू एक्सपर्टीज. नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कमांड जो है वो हाई रैंक से लो रैंक की तरफ जाती है. अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बात करते हैं तो कमांड यूजुअली जो है गोज फ्रॉम द कंसल्टेंट्स टू द रेजिडेंट्स टू द मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एंड द हाउस फिजिशियंस एंड द हाउस सर्जन्स. लेकिन इन केस कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, इन दैट केस रैंक्स को जो है रैंक्स को नहीं देखा जाता, बल्कि किसी भी पर्सन का एक्सपीरियंस देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एक हाउस फिजिशियन ABG के लिए सैंपल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे सैंपलिंग नहीं हो रही है. On the other hand, एक स्टाफ है, she has more experience, वो हेल्प कर देती है. This is one of the example of deference to expertise. Any confusion regarding these principles? इनके जैसे आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, तो उसी तरह प्रिंसिपल्स का याद होना जरूरी है कि इनके हमें सिर्फ टाइटल, जैसे 5 प्रिंसिपल्स हैं तो इनके नाम पता हो. देखिए अगर तो आपको सिर्फ इनके नेम्स याद रहेंगे तो वो थोड़े वक्त के लिए, लेकिन अगर आप इस चीज को किसी भी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करें, आप इसको हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेंगे. ये विद एग्जाम्पल्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है. आप इसको फायर डिपार्टमेंट की जो हाई रिस्क डिपार्टमेंट है, फायर रिस्क फायर डिपार्टमेंट है, उसके साथ एसोसिएट करके सोचें. मैम कहीं बैचलर्स की एक्सप्लेनेशन है या वीडियो वो देख लेना, तो विजुअलाइज आपको एक चीज याद रहती है आपके माइंड में. ओके आप इसको सिंपली जो है आप इसको जो है गूगल कर सकती हैं. ओके
ओके मैम गूगल कर ले, इमेजेस के अंदर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बाय इमेजेस भी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। ओके व्हाट द हेल्थ केयर कैन लर्न मेनी लेसंस फ्रॉम द एचआरओस, फ्रॉम देयर सक्सेस से भी और उनके फेलियर से भी, जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इनसे लेसंस ले सकता है। हाई रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस इनिशियली जो थी देवर एविएशन थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल थी, न्यूक्लियर पावर प्लांट थी, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स थे, फायर डिपार्टमेंट्स, इस तरह के डिपार्टमेंट्स थे हाई रिलायबल। लेकिन अब रिसेंटली जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स है, हेल्थ केयर सिस्टम को इसके अंदर लाने की कोशिश की जा रही है बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोशिश की जा रही है कि हेल्थ केयर सिस्टम को भी हाईली रिलायबल किया जाए। उसके 3 गोल्स हैं, पेशेंट की सिक्योरिटी हो, पेशेंट सेफ्टी हो, क्वालिटी हो और एफिशिएंसी हो। आज के लेक्चर की समरी है कि जो हेल्थ केयर सिस्टम इटसेल्फ जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चीज जो है वो रॉन्ग हो सकती है, लेकिन हमने इंडिविजुअल अप्रोच यूज नहीं करनी है, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको यूज नहीं करना है, वो शॉर्ट टर्म है, उससे we will never find out the cause of the error, हमें error की cause का नहीं पता चलेगा। इसलिए we have to, if we want to use approach, हमें systematic approach use करनी है, हमने depth में जाना है, detail में जाना है, ताकि next time अगर same situation का सामना हो तो वो error को prevent किया जा सके। हिना अफजल मैम, जैसे एथ्रोजेनिक के आपने कहा yes, ma'am. तो अगर मेडिकेशन में कुछ ऐसा एरर आ जाता है, मतलब हम किसी को वो इंजेक्शन ऐसा कोई लगा देते हैं या उसको ऐसी कोई मेडिसिन दे देते हैं जिसके साइड इफेक्ट हो जाए या उसको अटैक आ जाए, तो उस वो भी इसी में आएगा? वो यस, वो भी आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक जो है ना वो ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन आपने कोई इंजरी पेशेंट को कॉज की है, ट्रीटमेंट की वजह से, वो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है। Okay, सब आइट्रोजेनिक में आएगा। सपोज एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जो बेबीज के लिए डायपर रैश के लिए जो है यूजुअली स्टेरॉयड क्रीम्स जो है वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं, लेटर ऑन जो है बेबीज के ब्लड लेवल के अंदर जो है वो स्टेरॉयड लेवल्स इंक्रीज हो जाता है और वो कुशिंग सिंड्रोम जो है डेवलप करते हैं। टिपिकल जो है दे आर हैविंग अ मून फेस एंड कुशिंग ऑइड फेस होता है, ये भी आइट्रोजेनिक इंजरी में आएगा। थैंक यू अफसल। यस मैम, कही ना आपने एचआरओ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, टोटल 5 हैं, उनमें से कोई एक आपने विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। विद एग्जांपल्स रेजिलियंस, रेजिलियंस था, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी टू अदर्स और फिर प्रीऑक्यूपेशंस विद फेलियर था। ओके, आप रेजिलियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसे कि मिस हेल्थ सिस्टम या कोई भी सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये है कि हम उनको सिंपलीफाई नहीं करना चाहिए और उनको मतलब उनके स्टैंडर्ड पे रखना चाहिए। रेजिलियंस मींस दैट कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और कोई भी एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सिस्टम जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि वो उससे रिकवर कर सके, वो उसकी वजह से कोलैप्स नहीं करना चाहिए, वो ये रेजिलियंस के अंदर आएगा। हिना खालिद, जवेरिया इरफान, इकरा शौकत, खतीजा अकबर, ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लेक्चर? मैम, जैसे आपने ये जो डिफेंस वाला था, क्या था जो लास्ट वाला था आपने, डेफरेंस टू एक्सपर्टीज, मैम ये जो होता है कि मेनली इसमें कम्युनिकेशन आ जाता है कि आप जो हायर लेवल के लोग हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करें कि अगर कोई एरर आ गया इन केस।
डेफरेंस के अंदर यूजुअली जो है डेफरेंस मींस दैट यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द एक्सपर्ट हु इज हैविंग मोर एक्सपीरियंस इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में इमरजेंसी सिचुएशन में आपने रैंक नहीं देखना है कमांड जो है जो लीडरशिप है अगर आपने ओपिनियन लेनी है कि इफ समवन इज हायर इन रैंक लेकिन उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कम है ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पर्सन जिसका रैंक लो है लेकिन उसका एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ज्यादा है तो वो उसकी बात को फॉलो करेगा ओके एक्सपीरियंस की बेसिस पे देखा जाए एक्सपीरियंस के बेसिस पे जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उसकी बात को सुना जाएगा मैम अगर एक पेशेंट को बहुत ही सीरियस जो है ना मैम इंजरी हो गई है किसी के नेग्लिजेंस की वजह से किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से तो मैम उस सिचुएशन के अंदर तो मैम उस सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो उसको भी हम लोग लेट्रोजेनिक इंजरी के अंदर सिस्टम के अंदर जो है वो इंक्लूड कर वो आइट्रोजेनिक इंजरी में ही आएगा ओके मैम थैंक यू मैम मुझे आपके आपका जो सेक्शन है उसका लिंक नहीं आता और मेरी ऑलरेडी दो क्लासेस हैं वो मिस हो गई हैं तो आप मुझे काइंडली ऐड कर लें अपने सेक्शन में ओके आप अपना नेम बताएं इमानिया ताहिर ओके मान आपने जो है बाय मेल जो है वो सेंड करना है मुझे ओके मैम ओके थैंक यू मैम अपने स्विस मॉडल के चार पॉइंट बताए जिसमें टाइमिंग था स्टैंडर्डाइजिंग सिंपलीफाइंग था मैम ये स्टैंडर्डाइजिंग सिंपलीफाइंग जो है वो पॉइंट दोबारा बता दें थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन यस मैम ये बेसिकली वन मोड है ये एक बैरियर है प्रोटेक्टिव बैरियर है एक स्टेप है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट के पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए स्टैंडर्डाइजेशन की एक एग्जाम्पल इस तरह लीजिए मैंने आपको बताई थी कि एक वार्ड के अंदर जो है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के 3 to 4 पेशेंट्स हैं एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो है उसकी स्वेरिटी और इसके डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज होते हैं लेकिन उस वार्ड के अंदर अगर एक क्राइटेरिया को ही यूज किया जाए सारे रेजिडेंट्स अगर एक ही क्राइटेरिया को यूज करें तो वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा इससे प्रोसेस जो होगा सिंप्लीफाई हो जाएगा रेजिडेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने में आसानी रहेगी ओके मैम अटेंडेंस जो है वो आपकी जूम रिपोर्ट में आ जाती है जितने पार्टिसिपेंट्स अटेंड कर रहे होते हैं तो अटेंडेंस मैं वहीं से देख लूंगी ओके मैम ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, lectures की PPT form आप LMS में upload करेंगी? LMS पे मैं upload soon. I will upload them. Meanwhile जो है वो आप Google Drive का जो link है वहाँ से ले लें. Okay, ma'am.